नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम में अपराधियों के विरुद्ध तथा चोरी की सामग्री की अवैध बिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी है। जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। 27 जुलाई को थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत मुहवारी खुद निवासी राजा राम ऑपरेटर उत्तर प्रदेश जल निगम विभाग द्वारा थाना स्थानीय पर विजयपुर कामापुर पेयजल योजना में लगे पाइपलाइन को अज्ञात चोरों द्वारा काटे जाने के संबंध में धरी दी गई थी। शरीर के आधार पर थाना विंध्याचल पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जनपद मिर्जापुर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसी के तहत थाना विंध्याचल टीम को सफलता हाथ लगी है। सरकार की जो योजना है उसके तहत जो पाइप बिछवाए जा रहे थे कुछ एक बदमाश गैंग बना के उन पाइपों को खोद के वहां से काट के बेचा करते थे, इसकी शिकायत हमें मिल रही थी। इसके लिए मैंने एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। बड़ी सफलता के तहत इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से जितेंद्र बिंद और सुरेश बिंद ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको खोद के पाइप को निकाला करते थे और साथ ही साथ शिव दिलार गुप्ता को भी पकड़ा गया है जो ऐसे पाइप्स को खरीदा करता था। तो ये बड़े मॉड्यूल को पकड़ा गया है। इनसे फर्दर पूछताछ हमारी जारी है और सरकार के ऐसे मिशन सरकारी योजना के इस तरीके के पाइपों को उठा के बेचना इसको गंभीरता से लिया गया है। फिलहाल इस गैंग के 3 लोगों को पकड़ा गया है जिसमें बेचने वाले और खरीदने वाले सभी लोग शामिल है। फर्दर हमारी कार्रवाई जारी होगी और जनपद मिर्जापुर में सरकारी योजनाओं के तहत कोई भी गड़बड़ करेगा उन सभी के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा।